अगर प्रायोरिटी के अंदर अगर मैं कामों को लिस्ट आउट करूं सर, तो आप चाहते हैं कि एक अच्छा सरकारी अस्पताल, सरकारी हॉस्पिटल यहाँ बहुत जरूरी है। सरकारी अस्पताल कौन कौन चाहता है कि पड़पड़गंज सरकारी अस्पताल यहाँ पे एक अच्छा हो, सबको लाल बहादुर शास्त्री में जाना पड़े या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल शास्त्री में जाने का मतलब है अपनी मट्टी पलीत करवाना। अच्छा, ऐसा क्यों? लाल बहादुर शास्त्री में जाने का मतलब है वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, डॉक्टर नहीं मिलेगा, आप इतनी लंबी लाइन में खड़े रहोगे। आप क्या कह रहे हो? लाल बहादुर हॉस्पिटल में मैं कई बार गया, मेरे साइकिल ले लेते, कहते मेरा साइकिल तो कहाँ लेके घूम रहा है। तो ऐसे लोग वहाँ के हैं कि वहाँ के लोग मतलब जाने से डरते हैं। मैं खुद कई बार गया हूँ। लाइन ऑर्डर की समस्या आपकी, तो सरकारी अस्पताल एक जगह आप आ जाइए, एक जगह मैं अगर पूछूं तो सरकारी अस्पताल के लिए सब लोग राजी हैं कि एक बड़ा होना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री कोई नहीं जाना चाहता, और अगर जाना चाहता है तो अच्छा हो जाए, वो प्राइवेट हॉस्पिटल जैसा हो जाए। तो सभी एग्री हैं कि एक बड़ा हॉस्पिटल, उप मुख्यमंत्री का इलाका है, एक बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्या उसके ऊपर सबसे प्रायोरिटी पे यही काम होना चाहिए? सेकंड प्रायोरिटी मैं कहूँ कि स्कूल अच्छा होना चाहिए, सरकारी स्कूल बेहतर हो। सर्वोदय इनक्लूसिव, जैसे सर्वोदय स्कूल है उस तरह के, एक भी सर्वोदय स्कूल नहीं है हमारे एरिया में। अच्छा, एक भी नहीं है, प्रतिभा बाल विद्यालय भी नहीं है। शिक्षा मंत्री खुद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। हाँ जी, हाँ जी, और जो उन्होंने भी जैसे रेट भी स्कूल बहुत अच्छा होना चाहिए, वो भी नियरेस्ट के हर एक को वहाँ पे एडमिशन मिले बच्चे को, वहाँ दर्शन, मतलब बच्चे थक जाए बेचारे, इतनी दूर जाते हैं वापस आते हैं, कम से कम इतना इतना होना चाहिए, सिक्योरिटी भी और उनकी टायरिंग भी खत्म हो जाएगी। पहली चीज आप लोगों ने कही कि एक अच्छा अस्पताल होना चाहिए सबने का, और एक स्कूल होना चाहिए। तीसरी चीज आप कह रहे हैं कि इंक्रोचमेंट की, मार्केट की समस्या सबसे इंपॉर्टेंट, सीसीटीवी कैमरा भी उसके अंदर जरूरी है, बड़ी समस्या। और अगर सौंदर्यीकरण थोड़ा सा भी, अगर उप मुख्यमंत्री जी सिसोदिया जी थोड़ा सा भी इनिशिएटिव लेके सिर्फ और सिर्फ एक ये योजना बना दें कि बाजार का सौंदर्यीकरण करना है, ये कितनी अच्छी समस्या, इतना अच्छा मेरा एक एडवाइस है उनको, किसी भी पार्टी का उनको एडवाइस है कि सौंदर्यीकरण कर दें, उसमें क्या हुआ एक फुटपाथ का चिन्हित कर दें, उनको भी मिलेगा, मार्केट मिलेगा, आप पार्किंग कीजिए, पार्किंग क्यों नहीं करते हैं? जब आप पैसा लेते हैं तो पार्किंग क्यों नहीं करते? आप पैसा लेते हैं कम से कम पार्किंग। एक मार्केट में घूम रहा था तो कह रहे थे कि शराब के ठेके यहाँ पर खुल रहे हैं, वो गलत चीज है, क्या कहते हैं? बिल्कुल गलत चीज है शराब के ठेकों का। और दूसरी बात है, जो ये बाहर का जाम होता है, साइड इफेक्ट ये होता है कि हमारे घरों के आगे पता नहीं किस किस की गाड़ियाँ लगी होती है, पार्किंग की प्रॉब्लम, पार्किंग के साथ। अच्छा, एक आपने हॉस्पिटल मांगा, एक अच्छा अच्छे सरकारी स्कूल मांगे, एक नहीं जहाँ पे नियरेस्ट बच्चे जा सके, मार्केट का ब्यूटिफिकेशन होना चाहिए, सीसीटीवी कैमरास लगने चाहिए। और सर एक चौथी चीज और बता रही हूँ मैं कि एक पार्कों में एक गार्ड होना चाहिए, हर पार्क में। यहाँ पे क्या है, दारूबाज, अड्डेबाज, ऑटो वाले वो बैठे रहते हैं, वहाँ गार्ड की व्यवस्था, बच्चे नहीं खेल सकते, लेडीज नहीं जा सकती, और वहाँ पे सफाई सुथराई होनी चाहिए। अगर एक मार्केट में दो तीन कांस्टेबल भी लग जाए, 24 घंटे 8-8 की शिफ्ट में अगर तीन भी लग जाए, तो वो समस्या मेरे ख्याल से दूर हो सकती है, और बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं है। वैसे भी कांस्टेबल करते हैं कुछ, बैरिकेटिंग होती है, स्कूल वगैरह के अंदर में ये जो शाम को इवनिंग के जब स्कूल खत्म हो जाते हैं तो ये जूडो कराटे की क्लासेस या और ऐसी तरीके की क्लासेस वहाँ पे जरूर होनी चाहिए इवनिंग में बच्चों। ये चार समस्याएं मेजर प्रायोरिटी हैं, और एक मल्टी लेवल पार्किंग भी आपने कहा जिसके, और दूसरा क्या है कि ये लोकल मार्केट है, यहाँ चार सोसाइटियाँ के जो गेट है इस मार्केट में ही खुलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि खाली ये मार्केट ही है, यहाँ रेजिडेंस भी उतना ही है, सोसाइटी है सामने, ये पूरा का पूरा पिबलक पांडव नगर सारा रेजिडेंस है, ये सारी अप्रोच ये मार्केट के ऊपर ही आता है, तो जितना भी आना जाना है इस मार्केट से ही है, तो मार्केट का खाली मार्केट के सौंदर्यकरण से नहीं है, इस पूरे मतलब एरिया का भी है, पूरे एरिया का इतना अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है। और अगर वो चाहें तो हम लोग से राय ले सकते हैं कि हमें क्या करना है, एक बहुत अच्छा। उनका बजटिंग अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो हर एक वार्ड के अंदर, जैसे ये पड़पड़गंज वार्ड है, उसके अंदर 20 मोहल्ला सभाएं हैं, ठीक है, नहीं हर एक वार्ड के अंदर 10 मोहल्ला सभाएं हैं, और हर एक मोहल्ला सभा का करीबन 50 लाख रुपए बजट है, ठीक है, 50 लाख। तो मुझे तो लगता है कि आपकी पूरी असेंबली में समस्या 20 करोड़ अगर पूरी असेंबली का देखें। सर एक छोटी सी आपको उनको मैं बोलता हूँ कि अगर एक सिर्फ और एक अगर हमारे मार्केट का सौंदर्यीकरण हो गया, हमारे मार्केट में इंक्रोचमेंट खत्म हो गया, तो आप ये देखिएगा सोसाइटी हो, चाहे हमारे पी ब्लॉक हो, चाहे उससे लगे शशि गार्डन हो, ये जो सड़कों पर इंक्रोचमेंट, अगर सिर्फ और सिर्फ सड़कें खाली हो जाएं और हमको ये पता लग जाए कि हमारा फुटपाथ का मतलब, लोगों को ये मालूम नहीं है फुटपाथ क्या होता है, एक आपका मंत्री भी नहीं बता पाएगा कि फुटपाथ है कहाँ और फुटपाथ का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग बाय फुटपाथ, क्या है,
कोई नहीं जानता। आप सिर्फ ये बता दें, मैं आपको इतना अच्छा, और अगर आप मुझसे प्रपोजल मांगते हैं मैं आपको समझा देता हूँ, आपको एक तरीका बता देता हूँ कि कैसे यहाँ पे रखना है, कैसे कर सकते हैं, आप एक बार राय तो लें। अच्छा आंटी, सबसे एजिट है इनसे पूछ लेता हूँ। आंटी, सबसे पहले यहाँ पर सरकारी अस्पताल अच्छा बने, एक पहली आपकी मांग है, सबसे अहम मांग है। हाँ, जहाँ पर असल में इलाज करने वाले सही डॉक्टर हो, ये नहीं कि वहाँ पे हॉस्पिटल में जाए और मेडिसिन गायब है, डॉक्टर ही गायब है, पता चला बंदा। सरकारी अस्पताल के अलावा अच्छे सरकारी स्कूल हो, बिल्कुल स्कूल भी ऐसे होने चाहिए जहाँ पे पढ़ाई हो और बच्चों को एडमिशन दी जाए, और मार्केट का ब्यूटिफिकेशन हो ताकि आप लोग भी सिक्योर हो, यहाँ पे सीसीटीवी कैमराज हो, कांस्टेबल पार्क्स के पास, और जो ये सारे रिक्शा और रेडी वाले हैं इनके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाए ताकि हम लोगों को भी इनसिक्योर फीलिंग ना हो, और जो जाम लगता है इसमें भी कुछ कमी हो, वो मल्टी लेवल पार्किंग भी आ जाएगी तो शायद गाड़ियाँ सारी उतर। अभी आपने बजट के बारे में बोला, बजट 50 लाख रुपए, उनकी एक लिमिट है, तो हॉस्पिटल या स्कूल एक वार्ड के अंदर 10 मोहल्ला सभाएं और हर एक मोहल्ला सभा, मैं कह रहा हूँ जिसमें कम बजट है पहले वहाँ से तो शुरुआत करें, मार्केट को तो ब्यूटीफुल बनाने में उनको कुछ लगाना नहीं है, कोई नहीं लगना कि लॉ एंड ऑर्डर, इसमें पुलिस प्रशासन, और 4 दिन तक ये मार्केट ठीक रहेगी, आज ये न्यूज देखेंगे तो 2 दिन 3 दिन ठीक है, पुलिस राउंड मारा, लेकिन उसके बाद ये परमानेंट कैसे ठीक हो सकता है। मैं आपसे एक बार बार मनीष सिसोदिया तक अपनी बात पहुँचाना चाह रहा हूँ कि सर, एक बार आपका क्षेत्र है और आप वाइस चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, आपके एरिया में अगर खुद ब्यूटी मतलब फुल मार्केट नहीं हो सकती, ये पास में उनका घर है, तो ये आचार्य निकेतन टॉप की मार्केट, टॉप के लोग यहाँ रहते हैं, बस ये गंदगी मार्केट में रिक्शा वाले ठेली वाले मार्केट वाले बढ़ा बढ़ा के एडवर्टाइज किए, पहले उनको तो रोक लगाएं, आप उसमें बजट की तो बातें नहीं आ रही हैं, उसके अंदर पैसा, अगर प्रशासन चाहे तो पहले उसको क्लीन, अभी रिक्शा वाले ठेले वाले, मैं बार बार इस चीज पे ज्यादा जोर दे रहा हूँ, आप इसको पहले सारी आपकी पेडेस्ट्रियन वॉक हो, गाड़ियों की आवाजाही सही तरीके से हो, सीसीटीवी कैमरा लगे, ब्यूटिफिकेशन हो, हाँ बहुत ज्यादा बजटिंग नहीं है, बस थोड़ी चीजें सख्त हो जाएंगी, अपने आप सब सही हो जाएंगे, ऐसा ही है। कैमरे लगा के जैसे सरोजनी नगर मार्केट वगैरह, हाँ मैं समझ गया, उसको अच्छे ढंग से ये ना बने कि आप बड़ी, एक छोटी सी राय और दूंगा आपको कि एक हमारे यहाँ यूरिनल नहीं है, इतनी बड़ी मार्केट में एक यूरिनल नहीं है, यूरिनल की नहीं है सर, और अगर कोई उसको बनने नहीं देता, मतलब नहीं बनने था, कोई कहता हमारी सोसाइटी आती है, कोई कहता हमारा बाजार आता है, कोई कहता हमारी दुकान आती है, जो सच हो आज, सच को कम से कम उनके जो सही काम हो सकता है, जो सबके हित में हो सकता है। महिलाएं भी पब्लिक टॉयलेट की समस्या आप लोगों को भी होती है बाजार में, पब्लिक टॉयलेट की बहुत नहीं है, वो नहीं है, वो बहुत दिक्कत है, टॉयलेट भी नहीं है, और सबसे बड़ी एक और प्रॉब्लम है जो किसी का ध्यान नहीं गया, मैं बताऊं आपको, जब कभी बड़ी वाली नालियां साफ होती हैं, कचरा दुकान के बाहर होता है, अगर कस्टमर दुकान में आता है तो पांव सहित वो सारा कचरा अंदर जाता है, अगर हम कस्टमर को बोलते हैं कि आप जूते बाहर निकाल के, उसको भी शर्म आती है और हमें भी कहते हुए शर्म आती है, मगर दूसरी एक और बात है, अगर उसको हम थोड़ा साफ कर भी देते हैं, वो पानी का कचरा फिर आता है, सफाई करने वाले सफाई करके ढेर को लगा देते हैं, उठाने नहीं आते हैं, उसकी सबसे बड़ी समस्या है, और इतनी गंदगी उससे हो जाती है, फिर मच्छर भी बनेगा, गंदगी भी होगी और सब कुछ खराब होगा उसका। तो बहुत बहुत बड़ी आप लोगों की मांग नहीं है, छोटे से बजट में ही वो समस्या हल हो सकती है। उम्मीद है कि टोटल न्यूज़ की इस मुहिम के तहत आम आदमी पार्टी की सरकार ये जान पाएगी कि इन मोहल्लों के लोग, यानी कि इन मार्केट के लोग, इन सोसाइटीज़ के लोग, यहाँ के लोकल लोग क्या कुछ डिमांड करते हैं। बहुत ज़्यादा बजट की ज़रूरत नहीं है, छोटे बजट में ही इनकी समस्याएँ हल हो सकती हैं। हमारी दिल्ली की अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से, अलग अलग वार्ड से, अलग अलग मोहल्लों से इसी तरह की पेशकश आगे भी जारी रहेगी। हमारी ये मुहिम जनता का बजट देखते रहिए। कैमरामैन कुलदीप पालियान के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।